सीएम फ्लाइंग और सीआईजी की टीम ने मिलावटी रसगुल्ले और गुलाब जामुन तैयार कर रहे मिठाई के गोदाम पर रेड। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने जांच के लिए मिलावटी मिठाई के सैंपल भरे। त्योहारों के सीजन में मिलावट फोर कुछ रुपयों की खातिर मासूम लोगों की कीमती जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। रेड करने गई टीम के स्वास्थ्य विभाग अधिकारी ने रेड के बारे में मीडिया को कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। आज मिलावटखोर लोग अपने पैसे कमाने के लिए इतने अंधे हो चुके हैं कि उन्हें सिवाय पैसे के कुछ और नजर नहीं आता। आम आदमी महंगे दामों पर खाने पीने की वस्तुएं इसलिए खरीदता है कि हमारे त्योहारों पर मिठाई के साथ गहरा संबंध है, जिसके लिए हम बाजार से मिठाई खरीदकर बड़े चाव से खाते हैं। लेकिन जब आम लोगों तक पहुंचने वाली मिठाई की हकीकत सामने आ गई तो लोग मिठाई के नाम से ही नफरत करने लगे। यमुनानगर के चनेटी रोड पर एक ऐसे गोदाम पर छापा मारा गया जहां शहर के नामी दुकानों पर सप्लाई होने वाली मिठाई की असलियत सामने आई। पनीर और हरे रोड से तैयार की जा रही मिठाई के पनीर को शौचालय वाले स्थान पर तैयार किया जा रहा है। रसगुल्लों में मक्खी मच्छर मरे पड़े हैं। रॉ मटेरियल निम्न कोटि का है। घरों की रसोई में प्रयोग होने वाले निजी गैस सिलेंडरों का प्रयोग किया जा रहा है। पिछले एक डेढ़ सालों से प्रशासन की नाक के नीचे सरेआम ये सब कुछ चल रहा है, लेकिन ना तो जिला स्वास्थ्य विभाग कुछ कार्रवाई करता है और ना ही फूड सेफ्टी विभाग के अधिकारी कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। लेकिन जब मीडिया ने स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर प्रीति सिंह से रेड के बारे में बात करनी चाही तो पहले तो वो कार्रवाई के नाम पर बहाने बनाता रहा, और जब काफी समय गुजर जाने के बाद बात करनी चाही तो कहा कि हम इस रेड के बारे में कुछ भी नहीं बता सकते, आप लोग हमें अपना काम करने दीजिए। मीडिया से डॉक्टर का इस प्रकार का रवैया कहीं न कहीं डॉक्टर की कमजोरी को उजागर करता है कि कहीं मीडिया इन मिलावटखोरों के चेहरे को जनता के सामने न ला दे। मिलावटखोरों के साथ साथ उनको बचाने वाले स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी पर भी सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। बोलते हैं हमारे यहाँ खुद का बनाया हुआ, बोल के डुप्लीकेट माल देती नहीं बनता है। थोड़ी देर बाद क्या जो बाहर लिखते थे वो देसी घी की मिठाइयाँ आप लोगों से तैयार कर देते हो, कहाँ डालते हो आप? आगे कुछ नहीं, को लिखा ही नहीं है देसी घी का, जहाँ बेचते हो जो इसको बेचते हैं जिनको आप सप्लाई करते हो वो, लेकिन बेचते हैं देसी घी का, लिखते हैं तो बनाते होंगे देसी घी का, तो बनाते हो ना जब तो लिख रहे हैं। आप लोग क्या क्या डालते हैं इसमें? हम तो घी रिफाइंड